नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गेड़कर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल विषय के बारे में जो अभी तक मैंने कभी छेड़ा नहीं, वो है पलंग तोड़ पान या सुहाग रात पान। हमारे देश में काफ़ी शहर ऐसे प्रसिद्ध है कि जहाँ ये पलंग तोड़ पान मिलता है, जैसे लखनऊ है, हैदराबाद है, औरंगाबाद है, बॉम्बे है, कि जहाँ ये पलंग तोड़ पान मिलते हैं। और ये खास जाने जाते हैं सुहाग रात जब रहती है, पहली फर्स्ट नाइट है, या बहुत मतलब प्रेशियस नाइट है, लंबा समय तक टिकना है बेड में, लंबे समय तक चलना है तो बेड में, या बहुत ही बड़ा मतलब ऐसा कुछ तो भी करके बताना है ऐसा तो। और वो पान की कीमत काफ़ी रहती है, मतलब 250 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक पान की कीमत रहती है। अब इसमें एक्चुअली रहता क्या है तो ये लोग तो बताते नहीं हैं, जो पान बिक्रा करते हैं वो तो बताते नहीं है क्या है इसमें। मगर जो मेरा जो अंदाज़ है वहाँ से मालूम पड़ता है कि सिल्डेनाफिल जो टैबलेट है, जो PDE5 इनहिबिटर्स हम बोलते हैं, सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, तो ये टैबलेट्स उसमें डालते हो, फांग की गोलियाँ भी डालते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे सारा जो टैबलेट है, फ्लॉक्सेटिन या डेपॉक्सिटिन, तो ये भी डालते हैं चुरा करके। और क्या होता है कि काफ़ी सारा गुलकंद, कलाकंद उसमें डालने के बाद में, बहुत मीठा करने के बाद मालूम नहीं पड़ता कि ये और कुछ इसमें मिलाया हुआ है करके। और फिर ये काफ़ी फिर चलता है कि फिर इरेक्शन काफ़ी बहुत आता है। एक तो पलंग तोड़ पान मैंने खाया और नाम ही उसका पलंग तोड़ है, मतलब पलंग टूटने तक सेक्स करना है, तो एक तो एक उससे हौसला भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर आदमी को ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया तो वो करता भी है फिर। और समझो नहीं हुआ तो बाहर बोम भी नहीं मारता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपन ने पलंग तोड़ पान खाया हुआ है, फिर तो बोलना ही पड़ेगा कि मैंने तो बहुत समय तक किया करके, तो ये बाहर इज्जत का सवाल। तो फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने पलंग तोड़ पान खाया था और मैंने तो पूरी नाइट जग के निकाला है, या पूरी नाइट में 6 बार किया, या पूरी नाइट में 8 बार किया, मतलब ऐसे कुछ तो भी बाहर आके बोलते रहते हैं। इसमें होता क्या है कि नए नए लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते कि मेरे दोस्त ने बोला मैंने 4 बार किया, वो दोस्त बोल रहा मैंने 8 बार किया, मैंने तो 1 बार भी नहीं किया, तो उसमें काफ़ी लोग डिप्रेस होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि भाई एक बार आपने पूरा पेट भर खाना खाया तो कितने समय बाद में आप सेकंड खाना खाते हो दूसरी बार? बोले हाँ वैसे तो 2-3 घंटे लगे जाएंगे, 4 घंटे थोड़ा सा खाना खाने के लिए डबल से। मतलब फिर इसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा ना, एक बार सेक्स करने के बाद में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और एकदम ही यंग है, 16, 17, 18 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र, हाँ ठीक है भाई, मतलब अभी एकदम यंग है और आप सेक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि हर 1-1.5 घंटे, 2 घंटे बाद में एक्साइटमेंट आ सकता है। मगर 28-30 साल की उम्र में अभी शादियां हो रही है, उसमें हो सकता है कि इतनी जल्दी इरेक्शन नहीं आएगा डबल से, टाइम लगेगा, और फिर एक रात में 2-3 बार कर सकेगा। हाँ 24 घंटे में 4-6 बार कर सकता है, मगर ये पलंग तोड़ पान खा के ये करना, ये एक्चुअली निमंत्रण है कोई बीमारी को। कोई पता नहीं है कि समझो आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आप पलंग तोड़ पान खाते हैं, मतलब उसमें वायग्रा है, वायग्रा जैसी गोली उसमें मिलाई हुई है, तो उसमें और कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने पूछना चाहिए पलंग तोड़ पान में क्या डाल रहे भैया, वो पूछो, बताओ, देखो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, और बाद में वो पान खाने का है, ये केयर आप लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज पलंग तोड़ पान का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।